ये वीडियो बना रहा हूं व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल आई हो आप सब? काफी बड़े होंगे तो यार, आप देखो आज भाई अजय भाई हैं, जो कि आप इनको अभी नहीं जानते क्योंकि ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम ब्लॉग में आ रहे हैं। और भाई अभी मैं इनको कुछ काम कराने जा रहा हूँ और ये पीछे हमारी धुंधा खड़ी भाई। तो यार ठंडी आज देख लो भाई, बहुत ज़्यादा है। खास तौर पर देखो पीछे कोहरा, देखो हाथों में मेरे ग्लव्स भी नहीं है, ग्लव्स भी मेरे को लेने। तो भाई आज जो मेरी ये जॉकेट देख रहे हो आप इधर, देखो साइड में थोड़ी सी फटी हुई है इधर। तो यार अभी मैं जाजमा उसी के लिए जा रहा हूँ भाई, देखते हैं वहाँ पे, क्योंकि यार रतनपुर में कोई हमारे मतलब हमारे यहाँ जो है कोई सीलिंग नहीं रहा। तो आज मैं जाजमा जा रहा हूँ, यहाँ पे पूरे चमड़े का लेदर का ही पूरा काम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपको जॉकेटें वगैरह लेनी है लेदर की तो आप वहाँ से विजिट भी कर सकते हैं। अभी हम लोग फंस चुके हैं जाम में यार, अभी भाई आप ही लोगों के चक्कर में पता है, यहाँ पे मैं शूट कर रहा था तो यार यहाँ पे अभी क्रॉसिंग खुल चुकी थी, लेकिन भाई इंट्रो बनाने के चक्कर में यहाँ पे फिर से क्रॉसिंग बंद हो चुकी है। तो अभी हम लोगों को खड़े होना पड़े, फिर इसके आगे देखते भाई क्या है। तो यार गाइस देखते तो भाई ठंडी कितनी ज़्यादा है यार, भाई साहब कितनी ज़्यादा ठंडी, भाई मन ही नहीं रहा 1% गाड़ी चला के, लेकिन क्या ही बोले। बाकी भाई देखिए, अगर आप कानपुर से होंगे तो आपको तो पता ही होगा ठंडी क्या ही सीन चल रहा है इस समय कानपुर में। कोहरा भले नहीं है लेकिन भाई साहब गलन, अरे पूछो ना यार, यही मन होता है बस भाई कहीं आगे आगे मिल जाए, ताप नहीं मिल जाए तो उसके बाद ही जाए आगे। भाई अभी देखो वहाँ पे जाजमऊ में, देखो अगर कानपुर से अगर हो आप, ठीक है, तो आपको जाजमऊ पता हो भाई, हमारे यहाँ कानपुर इसीलिए फेमस है चमड़े की वजह से, चमड़े की फैक्ट्री यहाँ पे, इस वजह से कानपुर हमारे बहुत ज़्यादा, तो वहीं पे ही जा रहे हैं उसको, मतलब जॉकेट को हमने थोड़ा सिलवाना सिलवाना है यहाँ पे, क्योंकि कोई सिल नहीं पा रहा था ना, कोई सिल भी नहीं रहा था। ये देखो भाई टेम्पो वालों को पीछे ना कभी चलना ही नहीं चाहिए, ये लोग कभी भी कहीं पर भी रोक देते, यही तो सीन हो जाता है अच्छा खासा। इन लोग कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे कौन आ रहा कौन नहीं, कहीं पर भी गाड़ी स्लो कर देते हैं, क्या ही सीन हो रखा है यहाँ पे। तो यार फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं भाई अपनी जो लेदर की मार्केट है, जो क्या नाम था, जाजमऊ, सॉरी मैं नाम भी भूल गया, जाजमऊ। देख सकते भाई यहाँ पे जितना भी काम है सब लेदर का काम है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए सारी मार्केटें यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मेरे को तो भाई जॉकेट सिलानी है, तो मैं सिलाने वाली कोई दुकान देख रहा हूँ भाई, कहीं मिल जाए यार तो अपना भी काम हो जाए, जिस काम के लिए आए भाई, कि दूसरे यार काम ना हो तो फिर बुरा लगता है ना थोड़ा। देख रहा हूँ भाई साहब यहाँ से हमने जॉकेट ली थी, देखो भाई साहब सब लेदर ही लेदर, लेदर ही लेदर। लेकिन हाँ थोड़ा चूतिया बनाने वाला भी कहीं कहीं काम है, तो उससे थोड़ा सा फ्रॉड से थोड़ा बचिएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि आपको अगर नए नए होंगे तो बिल्कुल पहचाने में थोड़ी दिक्कत होगी ना, कि लेदर कौन सा है, रैक्सीन कौन सी है। आजकल तो लेदर रैक्सीन सब फिक्स करके बना रहे हैं, तो देख सकते हो भाई साहब। लेकिन यहाँ बदबू भी बहुत आती है, देखो पूरा पूरा शोरूम खोल रखे हैं। ओहो सब मार्केट ही मार्केट है ये, हमें लग रहा आगे तो नहीं होगी, ख़त्म ही हो गई। अभी किसी दुकान वाले से पहले या तो पूछ लेते हैं ना, कि कोई सिलने लेने वाला हो तो बताए, इसी से पूछ लेते हैं। या इधर कोई है भैया सिलाई वाई करता है लेदर की? आगे है वहीं, इधर है धन्यवाद भैया। आते हैं तो लेते हैं बेल्ट उल्ट, आएंगे तो बेल्ट उल्ट दे देंगे, 100 रुपये 100 रुपये लगा रखा है। इधर कोई दुकान है जो जॉकेट वॉकेट सिल देता हूँ? कहाँ पे? कल बल किसी को लेकर आ क्या दिक्कत है? अरे ये थोड़ी सी है, हाँ एक दिन टाइम लगेगा, एक दिन होना पड़ेगी, हैंड टू हैंड कहीं नहीं है। क्या हुआ भाई तो पहली सही जाइए बताना, अगर बोलना हैंड टू हैंड देंगे रहे, ऐसा लग रहा है कि हम पूरी जॉकेट फाड़ के ला के दे रहे हैं। जो ये भैया यहाँ कोई भाई, अभी एक लोगों ने बताया पंडित जी करके, तो
वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है, चिंता इसका है कि नहीं। पंडित जी करके बोला था ना, देखते हैं भाई पंडित जी मिल जाए, भैया पंडित जी मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। वो वहाँ पे चल जाएगा, रुको रुको यहीं पे चलेगा और आगे वो रहा दुकान। अरे वो है तो मशीन पड़ा हुआ है भाई, यही कहना चाहेंगे दुख तो बहुत ज्यादा हो रहा है यार, इतनी दूर आने के बाद भाई काम नहीं हुआ यार, सबसे ज्यादा यही खल जाता है भाई। बाकी यार यहाँ पे भाई जॉकेटें यार थोड़ी महंगी मिलती हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँ, शुरू कर रहा था कितने 4000 से, मतलब 4000 से स्टार्टिंग करा, 4000 ये लोग बोलते हैं, लेकिन पता है 2500 रुपये में दे देते हैं, 2500 2000 रुपये में दे देते हैं, सीधे दुगना रेट बोलते हैं, जो जैसा कस्टमर फंस जाए भाई। बार्गेनिंग करना भाई आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो आदमी इतनी बुरी काटता है ना, क्या ही बोला जाए यार। भाई देखो हमारा काम तो हुआ नहीं, बाकी भाई अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर आना है और जॉकेट वॉकेट लेनी है तो बिल्कुल लीजिएगा, क्योंकि यार लेकिन थोड़ा देख वेख के लीजिएगा, क्योंकि चूतिया बनाने वाला भी काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अभी यहाँ सिलाई करने वाले बहुत ही ज़्यादा कम थे। रतनपुर में कोई सिल नहीं रहा ना, अरे वो बैग सिलता है, अरे उसके पास भी गए थे, वो तो और ही चूतिया है। उसमें कोई शक नहीं है, ना कोई शक ना कोई दोहरा है। हाँ ये तो है, हमारे डे बंदे के अंदर नहीं है पहले। हाँ देख रहो, मतलब क्या ही सीन हो रखे भाई, गलत है सीन, मेरी गलत थी। टेढ़े होकर चला रहे, लग रहा ऑटो चला रहे हूँ। भाई तो भाई थोड़ा यहाँ यार खींचते हैं, देखते हैं भाई कितनी स्पीड जाती है हमारी टॉप स्पीड। अरे यार ये ब्रेकर भाई साहब, भाई इस गाड़ी मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है भाई, VS6 का ये सबसे अच्छा बेनिफिट है, इसमें चाहे जितनी ठंडी पड़े एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होती है, सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी है। ये तो सर्दियों में आदमी परेशान हो जाता है एकदम, सेल्फ मारे गाड़ी किक मारे मारे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, वो कैसे अंधी गाड़ी चला रही है वही तो भाई। चारों तरफ आर्मी एरिया तो है ये पूरा, ये देखो अपने फौजी भाई लोग, भाई इनको देख के यार जो जोश आ जाता है ना अंदर से, क्या ही बोला जाए। देखो बेचारे ठंडी में एकदम दिन रात हम लोग के लगे रहते हैं, मेरा भाई रहता है तुरंत सल्यूट मारता है। ऐसा लग रहा लड़की चला रही गाड़ी, ऐसा लग रहा था लड़की चला रही थी गाड़ी, ऐसा लग रहा था लड़की चला रही थी गाड़ी। नहीं नहीं फंक्शन ये बेटा, आज नई नई गाड़ियां ज्यादा दिख रही, हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं इसको सागर मार्केट। ये भाई मोबाइल की सबसे बड़ी हमारे कानपुर की मार्केट है, जो कि यहाँ पे मोबाइल के आपको ऑल एसेसरीज मिल जाएंगे यार। यहाँ पे वो ले ले क्या भैया, एक OTG है ना, लेकिन यहाँ गाड़ी पार्किंग का पैसा लेते हैं साले, है ना। क्या खगड़ा होता है
कौन देव दाता तुम तो बहुत डर लगा। ये हम लोग किधर आ गए? अरे भाई साहब अब उधर जाना हम लोगों को। घंटाघर पहुंच गए। घंटाघर आ गए भाई हम लोग घंटाघर कानपुर सेंट्रल स्टेशन। गजब की भीड़ रहती है यार। इधर भूल गए का? टाकीज को ये है तो क्या है? नहीं था है नहीं था उसको उठा। हम लोग मूवी देखने आए थे। हाँ मेरा भाई प्रफुल भैया सब ये गेट तोड़ के नया बना दिए लोग। ब्लॉग में तो भाई पूरा पूरा कानपुर दिखा दिया। कौन सी मार्केट कहाँ है भाई? पूरा पूरा मार्केट गया, चाहे वो कपड़े का हुआ चाहे वो मोबाइल का हुआ, अपना सेंट्रल स्टेशन भी। काफी लंबी वीडियो हो गई यार। तो ये थोड़ी शॉपिंग हो गई है रात को जलाने के लिए, पार्टी के लिए, न्यू की पार्टी के लिए सामान ले लिया गया गाइस। तो यार भाई देखो अगर ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। भाई अगर ब्लॉग में मजा आया तो यार आज का बस यही था कि भाई दिखाना था मार्केट, मेरे को थोड़ा काम था लेकिन नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं। बाकी यार अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। चैनल पर पहली बार है तो बिना सब्सक्राइब किए जाएगा नहीं भाई। इससे कमाल की वीडियो में लाता रहता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।